नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र क्या आपको पता है कि बहुत बार बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं बहुत धर्मपुन भी करते हैं लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर भी उनको वो सफलता नहीं मिलती जितनी वो मेहनत करते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो सुखी नहीं होते मतलब उनके उनके पास पैसा घर प्रॉपर्टी सब कुछ होती है लेकिन फिर भी सुखी नहीं होते इन सब के पीछे क्या कारण हो सकता है तो मैं आज आपको बताता हूँ इन सभी के पीछे कारण होता है कि आपकी कुलदेवी का आपके ऊपर प्रसन्न न होना मतलब क्या होता है हम बाकी सबको तो भजने भजते हैं बाकी लोगों की तो हम पूजा अर्चना करते हैं लेकिन जो हमारी कुलदेव की कोई भी व्यक्ति तब तक सुखी या संपन्न नहीं हो सकता जब तक कि उसके खुद की जो कुल देवी है उसको आप प्रसन्न ना कर लो वैसे भी आपने देखा है कि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तो तक हम दूसरे को कैसे जान सकते हैं तो इसी तरह से अगर आप अपनी कुलदेवी को प्रसन्न रखते हैं अगर आप अपनी कुलदेवी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको कम मेहनत पे भी अपार सफलता मिल सकती है और मिलती है लोगों को बहुत आपने लोगों को देखा भी होगा जिनके बहुत कम एफर्ट से भी बहुत सा उनको मिल जाता है बहुत कुछ उनको मिल जाता है तो चलिए आज हम जानते हैं एक छोटे से टोटके के थ्रू अगर आप इस टोटके को जो मैं समय बता रहा हूं जो मैं तिथि बता रहा हूं उस तिथि के अनुसार अगर इस टोटके को आप करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मात्र सात दिन के अंदर कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा जरूर होगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ अलग हुआ है पहले से कुछ अलग हुआ है और फिर आप उसी चीज़ को आगे बढ़ाते जाइए आपको सफलता मिलती ही चली जाएगी यहाँ पर एक ध्यान दीजिए कि भगवान को प्रसन्न करना या भगवान की कोई कृपा आपके ऊपर होना कोई टेबलेट नहीं है कि इधर ली और इधर ठीक हो गए लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो टोटका मैं बता रहा हूँ उसके थ्रू आप बहुत जल्दी इस चीज़ को प्राप्त कर पाओगे तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ कि इस टोटके में आपको कौन कौन सी चीज़ लगनी है देखिए ये मेरे पास सभी चीज़ें हैं इसमें आपको एक लाल कपड़ा लेना है ओके इसके बाद आपको गूगल लेना है गूगल आती है आपने देखा होगा गूगल इसके बाद आपको कुमकुम लेना है ओके एक आपको हल्दी की गठान लेनी है इसके बाद एक कोयला लेना है छोटा सा इसके बाद एक लाल कलर की आपको धागे की गिट्टी लेना है और आपको थोड़ी सी भस्म यानी कि राख लेनी है ये सब चीज़ें आपको घर में इजीली मिल जाएगी इन्हीं चीज़ों से हम एक छोटा सा टोटका करने वाले हैं अब मैं आपको बताऊं कि ये टोटका किया कैसे जाता है और इसको कब करना चाहिए तो देखिए किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष जो होती है शुक्ल पक्ष आप जानते हैं जब चांदनी रात होती है उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं तो जब शुक्ल पक्ष की कोई सी भी महीने की शुक्ल पक्ष की कोई सी भी तिथि को आप ये कर सकते हैं लेकिन अगर इसको अष्टमी के दिन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको पूर्णिमा के दिन करो तो भी अच्छा है इससे भी ज़्यादा अच्छा अगर आपको लेना है तो आप जो है आपकी कुल देवी की जो तिथि पड़ती है आपने देखा होगा हर इंसान की कुल देवी की पूजा होती है कोई ना कोई एक तिथि पर तो वो तिथि अगर आपको याद है तो किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की उसी तिथि पर आप वो शुरू कर सकते हो या वो टोटका कर सकते हो सपोज़ करिए कि मैं एक साधक हूँ और मेरी कुलदेवी की पूजा नवमी के दिन होती है ऐसा मान लेते हैं तो मैं किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मैं ये प्रयोग कर सकता हूँ समझ में आ गया इसी टाइप से आपको जो भी आपकी कुलदेवी की तिथि हो उस तिथि को उस तिथि पर आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष में कर सकते हो अब मान लीजिए कि आपको अपनी कुलदेवी पता ही नहीं है कि आपकी कुलदेवी है कौन या फिर आपको पता ही नहीं कि आपकी कुलदेवी की कौन सी तिथि है तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि नवरात्र में कोई से भी दिन या फिर अष्टमी या नवमी के दिन आप इस उपाय को कर सकते हो इस प्रयोग को कर सकते हो एक ही बार आपको करना है बस और इसके बाद वो प्रयोग बार बार आपको दोहराना नहीं है ठीक है तो आप या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन जिनको याद नहीं है अपनी कुलदेवी के बारे में वो नवरात्र में अष्टमी या नवमी के दिन कर सकते हो ठीक है बाकी दिन बाकी लोगों को जिनको पता है उनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अब करना कैसे मैं आपको समझाता हूँ जैसे आपने ये एक कपड़ा लिया लाल कपड़ा ठीक है इस लाल कपड़े में मैं थोड़ा सा कुमकुम -कुम डाल, कुम -कुम डाल दिया ये मैंने कुमकुम डाल दिया इसमें ओके कुमकुम -कुम डालने के बाद आप कोई से भी जैसे मैंने गूगल लिया ये गूगल है इस गूगल को डाल दिया इसके बाद मैंने एक हल्दी की गठान ली हल्दी की गठान मैंने इसमें डाल दी फिर मैंने क्या लिया ये जो कोयला है कोयला लिया कोयला को भी मैंने इसमें डाल दिया फिर थोड़ी सी जो भस्म है ये भस्म है देख लीजिए राख इस राख को भी मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया ये सभी चीज मैंने इसके अंदर डाल दिए अब मेरे को क्या करना है इसको इसको बंद कर देना है ये मैंने इस तरह से इसको बंद कर दिया ये हो गया अब मुझे क्या करना है इसको अब ये मेरे पास जो लाल धागा है इस लाल धागे से मुझे इसको बांध देनी है इससे मुझे ऐसे इसको ये बांध देनी है ये आपकी बन गई है पोटली इस पोटली को आपको उसी दिन जिस दिन आप बना रहे हो उस दिन अगर करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है या फिर बना लो आप उस दिन जो मैंने डेट बताई है या तिथि बताई है और इसके बाद फिर किसी दिन भी आप उसको लगा सकते हो जहाँ मैं बता रहा हूँ लेकिन अगर उसी दिन करोगे तो ज़्यादा अच्छा है इस पोटली को आप अपने घर की जो मेन गेट है उस मेन गेट के अंदर की तरफ आपको ऊपर की तरफ लगा देना है क्लियर जो आपका मेन गेट है जहाँ से आप घर से बाहर निकलते हो उस गेट के जस्ट ऊपर अंदर की तरफ आपको लगाना बाहर की तरफ नहीं लगाना अंदर की तरफ लगाना बस ये करना है आपको इतना सा काम ओनली एक बार करना है ठीक है अगर आप ये प्रयोग करते हो तो 100% परसेंट सात दिन के अंदर कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ऐसा लगेगा जो आपके साथ पॉजिटिव होने लगेगा और उसके बाद फिर वो चीज़ बढ़ती जाएगी और आप देखेंगे कि आपके व्यवसाय में आपके काम में आपकी नौकरी में सब तरफ से आपको सफलता मिलती जाएगी अगर आप एक अविवाहित हैं तो विवाह होने की संभावना बढ़ जाएगी अगर आप संतानहीन है तो संतान होने की संभावना बढ़ जाएगी इस टाइप से कुछ भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इसके थ्रू वो प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाएगी आपको साथ में करना क्या है कि इस जो अभी आपने पोटकी बनाई है जो आपने ऊपर टांगी है उसको आप डेली आपको अगरबत्ती लगाना है ये जरूर ध्यान रखें ऐसा नहीं कि उस पर आपने एक बार लगा दी और भूल गए उस पर जाले लग रहे हैं उस पर मच्छर बैठ रहे हैं ऐसा नहीं डेली आपको उसको अगरबत्ती लगाना है हो सके तो उसकी थोड़ी पूजा वूजा कर दे तो अच्छी बात है अगर लेकिन अगरबत्ती ज़रूर लगाना है साथ ही आपको क्या करना है उपाय के तौर पर आपने घर में जो खाना बनता है उस खाने में से अपनी जो कुल देवी है उसके नाम से भोग जरूर निकालें डेली ऐसा नहीं कि आपको वो भोग को ले जाके उस जगह पे आपको रखना नहीं जहाँ पर आप आपका चौका चूल्हा है वहीं पर आप उनका उनके नाम को भोग निकाल सकते हो अगर आप ये प्रतिदिन करते हो भोग वाला काम जो प्रतिदिन करते हो अगर अगरत्ती वाला काम प्रतिदिन करते हो तो ये चीज़ जल्दी से जल्दी असर करने वाली होती है तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो उपाय है ये जो टोटका है वो पसंद आया होगा मुझे ऐसा विश्वास है अगर आप ऐसा करते हो तो माता रानी की कृपा से आप सभी को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त जरूर होगी तो कैसे लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंद को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नए विषय के साथ तब तक तो आप रही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा जय हिंद